साथियों, आज जब देश 25 साल के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, अगले 5 साल का रोडमैप बना रहा है और सरकार में आने के बाद पहले 100 दिन के निर्णयों पर काम हो रहा है, तो इंडी गठबंधन वाले भी अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। आपको ये सुनकर हंसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन वालों में चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी बार बार पूछता है कि बताओ भाई, इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करें, नाम तो बताना चाहिए ना भाई। आप बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपुर्द कर सकते हो क्या? ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। ये लोग तो बता दिए भाई मोदी है, बताओ आपको देना है तो ये मोदी है, दीजिए। कहा कि नहीं कहा, आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। इतना बड़ा देश किसको देना, इसका देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा बोलो ना, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? तो ऐसा अंधेरे में हम तीर मार सकते हैं क्या? यहां तो साफ साफ है, 10 साल का अनुभव है, मोदी आपके सामने है और सब लोगों ने कहा है कि भाई मोदी हमारा उम्मीदवार है। ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, पांचवे साल पांचवा PM। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा, मुझे बताइए, देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं भाई। बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा, और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। भाइयों बहनों, यूं तो जो सुनने के बाद लगता है कि यह तो शायद मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा, लेकिन साथियों मैं आपको जागृत करना चाहता हूं, मैं चेताना चाहता हूं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत कह करके सो जाने वाला मुद्दा नहीं है। ये बहुत डरावना खेल है, ये देश को तबाह करने वाला खेल है। ये सपना हसीन नहीं है, ये आपके सपनों को चूर चूर करने वाला खेल है दोस्तों। और इसलिए जाग जाइए, चेत जाइए, आपके वोट की ताकत समझिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देश को बचाने के लिए आप आगे आइए। जो रील्स में
सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं उस पर इंडी गठबंधन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप इस एक साल एक पीएम वाले फॉर्मूले से सहमत है क्या? पांच साल में पांच पीएम आपको मंजूर है क्या? क्या देश को ऐसे परिस्थिति में छोड़ सकते हैं क्या? तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? तो दुनिया में देश का जो आज नाम बना है वो धड़ाक से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये जो चंद्रयान भेजा है, अब गगनयान भेजना है, वो जा पाएगा क्या?